प्रथम तहलका न्यूज। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के गांव गांजा माजरा में शमशान घाट पर सियासत हो रही है। जद्दोजहद के बाद शमशान घाट के लिए जगह तो मिली, लेकिन उस पर निर्माण करवाने को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। बड़ी बात तो यह है कि शमशान घाट में बनने वाली छतरी का शिलान्यास भी क्षेत्र के विधायक के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी काम को रुकवा दिया गया है। जब ग्रामीणों ने काम को रुकवाने की वजह जानी तो उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश का हवाला दिया गया, जबकि गाँव लोग तो शमशान घाट से संबंधित सभी सरकारी कागज कंप्लीट होने का दावा कर रहे हैं। प्रोग्राम ये जी कि हमारे यहाँ शमशान घाट की भूमि थी ही नहीं पहले से ही, आज़ादी के 74 साल बाद तक भी। ये नदी है यहाँ से 10-20 कदम आगे, हम नदी के बीच में फूकते थे, अपने दाह संस्कार करते थे। नदी चढ़का जाती थी तो भागना पड़ता था और लकड़ियाँ पकड़ियाँ चिता सब बह जाती थी। तो हमने शासन प्रशासन से मांग करी, पिछले विधानसभा के चुनाव हुए उनमें हमने चुनाव बहिष्कार किया था कि हमें शमशान घाट की जाए। तो SDM साहब आए तो उन्होंने लिख कर दिया था कि शमशान घाट की भूमि आपको पैमाइश करके उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उनके आदेश से CO साहब ने ये भूमि आरक्षित की थी 3 बीघा, और इसकी पैमाइश करके हमें उपलब्ध करा दी गई। गाँव वालों ने समय ये तार बाड़ करवाई अपने पैसे से, ये नल लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, वो टीन सेट पड़ा हुआ है। तो अब हमारे जो विधायक हैं रवि बहादुर जी, उन्होंने अपनी विधायक निधि से की छतरी स्वीकार की। तो परसों वो आए, उन्होंने शिलान्यास किया इसका छतरी का। तो जो विपक्षी पार्टी है, एक प्रदीप जी हैं जो सरकारी अध्यापक हैं, माफिया हैं, वो कहीं नदी खाड़े में ज़मीन सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं और साठ गांठ करके चकबंदी विभाग से अच्छी ज़मीन में अपना चक लगवा के उसको बेच देते हैं, उनका ये धंधा है। एक सोनू जी हैं वो BJP के नेता हैं, वो भी तो ये दोनों के इनके कारण में हैं। तो ये हमारे शमशान घाट पर काम लग गया, कल निर्माण कार्य शुरू हो गया छतरी का, इन्होंने काम रुकवा दिया। CM साहब आए थे, उनको जो भी कुछ बोला होगा उन्होंने मौखी की, DM साहब को SDM साहब को जो कुछ बोला होगा। तो सुबह यहाँ पुलिस आई और उन्होंने काम रुकवा दिया। तो हमारी समस्या यह है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, अधिकारियों के आदेश हैं, उसके बाद भी हमें काम करने से रोका जा रहा है। आपने पुलिस हमें बताया, SO साहब ने बताया कि मौखिक आदेश है SDM साहब का, लिखित कोई नहीं है। तो हमने मौखिक आदेश पर ही वहाँ काम रुकाने के लिए सिपाही भेजे। सियासत हो रही क्या इस मामले में? इसमें राजनीति हो रही है, ये इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। जो सोनू और प्रदीप दो BJP के नेता हैं हमारे यहाँ, तो ये सारा इन्हीं का कारनामा है, ये यही इसमें बाधा डाल रहे हैं और अपना चक लगवाना चाह रहे हैं। यहाँ प्रदीप कई ज़मीन खरीद रखी होगी इन नदियों पड़ी हुई, ये चाहता है अपना चक लगवाना, ये खाली भूमि है, बंजर भूमि है। दरअसल इसी साल के विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने शमशान घाट बनने की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन के बाद SDM के आश्वासन पर उन्होंने बहिष्कार को खत्म किया और मतदान में हिस्सा लिया था। गांव के लोगों का आरोप है कि पूर्व विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया, जिसे लेकर उन्होंने वर्तमान विधायक के पक्ष में वोट किए और उन्हें जीत दिलवाई। इसी बात से खफा होकर पूर्व विधायक उनसे राजनीतिक रंजिश रखने लगे। पूर्व विधायक से जुड़े गांव के दो परिवार शमशान घाट बनाने में रोड़ा बन रहे हैं, जिन्हें पूर्व विधायक सपोर्ट करते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें सरकारी भूमि शमशान घाट के लिए अलॉट की गई है, जिसका ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हदबंदी की है और उसके बाद कई अंतिम संस्कार भी वहीं पर किए गए हैं। अब जो क्षेत्रीय विधायक ने उस शमशान घाट में अपनी निधि से छतरी बनवाने का काम शुरू किया, तो उसमें पूर्व विधायक के प्रतिनिधि रोड़ा अटका कार किया था वोट का कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। दो दो नेता होने के बाद मेरे गांव का क्या नाम MLA का प्रतिनिधि है मेरे गांव का, उसके बावजूद मेरे गांव में शमशान घाट नहीं है, उसके बावजूद ये हालत है। तो हमने बहिष्कार कर दिया, हम क्यों वोट देंगे जब हमारा विकास नहीं होगा। हमने बहिष्कार किया, SDM साहब ने हमें लिख के दिया, उन्होंने हमारी बात मानी, हम मान गए, हमने वोट कर दिया। तो ये जो पहले जिस जगह ये हो रहा है, अभी ये भूमि है साइड में जो गांव पड़ता है बुधवा शहीद की, हम पहले भी बुधवा शहीद में ही यहीं से 10 कदम दूर पे करते आए हैं, जो कि नदी है, खाड़े में करते आए हैं मजबूरन। लेकिन जब आवंटित कर दी गई, ये भी उसी वहीं की भूमि है, वो भी वहीं की थी जहां हमारे परदादा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहां कर दी। ये जो कुछ लोगों का माफिया का कब्जा है, उनके द्वारा ये ठोका जा रहा है कि हमारा यहां चक लगा दिया जाए और इनका यहां से शमशान घाट को उठा के फेंक दिया जाए।
और जिन अधिकारियों के द्वारा की गई थी, आज उन्हीं के द्वारा हमें बोला जा रहा है कि काम रोक दिया जाए शमशान घाट पे, प्रशासन के राजनीतिक दबाव में आके ये बोला जा रहा है कि काम रोक दिया। हालांकि हमारे पास, मैं दिखाना चाहूँगा, पूरे सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार हूँ। और जिस आदमी का कब्जा है इस पर, उस आदमी का नाम DM साहब के पास ऑलरेडी जा चुका है, कुलदीप व प्रदीप पुत्रगण राजकुमार द्वारा इसमें 21 फसल बोई गई है जो कि अवैध है। ये अलेंदर सिंह रावत और SEO भगवानपुर ने लिखा है DM साहब को, उसके बावजूद भी हमें बोला जा रहा है तो काम रोक दिया जाए। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हालांकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे इसमें प्रशासन को भी, शासन को भी, सबको, कि अगर इस चीज़ के इस तरीके से ही अगर ये रोका जाएगा तो इस दुनिया में रह क्या गया, इसके अलावा क्या रह गया। अब तो इस शासन प्रशासन को भी डूब मर जाने की जिंदगी है, ये गांव तो मर ही चुका है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है, ये लोग दो BJP के नेता हैं हमारे यहाँ, सो और प्रदीप, जिनके दबाव में आके शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और शासन प्रशासन हमारे डॉक्यूमेंट को नहीं देख रहा, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं देख रहा, फिर भी उनके दबाव में आके हमारे रोक रहा है, ये हो रहा है मामला। जो हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ही करवाएंगे, उन्होंने ही इसमें पैसा दिया है छतरी बनवाने के लिए। जैसे ही उनको पता चला कि रवि बहादुर ने यहाँ शिलान्यास कर दिया, तो अगले दिन उन्होंने काम रुकवा दिया। तो ऐसा क्या मामला था? जद्दोजहद के बाद शमशान घाट के लिए जगह तो मिली, लेकिन शायद सियासी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। गांव के लोगों का कहना है कि जमीन के अलॉट से लेकर अन्य कागजात उनके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मौखिक आदेशों का हवाला देकर काम को रुकवाया गया है। प्रथम तहलका के लिए रुड़की से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।